subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. मेरे बहुत ही अजीज आतिफ रऊफ साहब और बहुत ही अजीज जीशान साहब, जनाब बदर शहबाज साहब और मेरे बहुत ही अजीज सैफुल मलूक खोखर साहब, बहुत अजीज जनाब अफजल खोखर साहब, मोहतरम मेरे भाई परवेज रशीद साहब और बहुत ही प्यारे खुर्रम दस्तगीर साहब और बहुत ही प्यारी मरियम नवाज शरीफ साहिबा, और फिर बहुत ही प्यारी मरियम औरंगजेब साहिबा, और फिर सबसे प्यारे मेरे दिल के बहुत ही करीब सोशल मीडिया के दोस्तों, जवानों, बेटों, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे सामने बैठा हुआ सोशल मीडिया का हर कारकुन, हर वर्कर और फिर दुनिया भर में जो मुझे सुन रहे हैं, मुस्लिम लीग के सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स, सब लोग मुझे बहुत अजीज हैं कि आपने 2017 से लेके अब तक मुल्क को लाहक मुश्किल तरीन वक्त में और फिर वोट की इज्जत की बहाली के लिए जिस तरह बेदरेगी फिफ्थ जनरेशन वॉर के नाम पर जो तैयार की हुई ट्रोल्स की आर्मी का बेखौफ होकर हर सोशल मीडिया मुकाबला किया और पाकिस्तान में एक आईनी, कानूनी और जमहूरी निजाम और रूल ऑफ लॉ के लिए आपने जो तकलीफें बर्दाश्त की हैं, यहां तक के जेलें भी काटी, ये सब हमारी तहरीक और हमारी जदोजहद और आपकी जदोजहद का सुनहरा वर्क बन चुका है। कोई शक नहीं है, आपने मेरा मान रखा, मुस्लिम लीग नून का मान रखा, मरियम नवाज शरीफ का मान रखा, स्टेज पे बैठे हुए हम सब का मान रखा और आपने नवाज शरीफ के फ्रंट लाइन और मरियम नवाज शरीफ के फ्रंट लाइन वॉरियर्स बनकर दिखाया। और आपने अपनी जमात का, मुस्लिम लीग नून का सर फखर से बुलंद किया। मेरे भाइयों, नौजवानों, बच्चों, मेरे पास आज अल्फाज नहीं कि मैं किन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूं। मेरा तो जी चाहता है कि मैं आपको गले के साथ लगाऊं। Yeah!
बाऊजी 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 बाऊजी, आपका ये दीदनी जोश खरोश, ये वलवला पाकिस्तान के, भाई मैं तो बिल्कुल दयानदारी से कह रहा हूं, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की मुझे नवीद सुना रहा है। और आज मैं फख्र से कह सकता हूं कि मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई सानी नहीं है। मुबारक हो आपको आतिफ रऊ साहब, मुबारक हो अजीज खान साहब, और मुबारक हो शहबाज बदर साहब, और मुबारक मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आप सबको और सारे कारकुनों को मुबारक हो। अभी केपीके से मियां साहब भी आए थे, आलमगीर को अभी देख रहा था, आलमगीर आपको भी मुबारक हो। आप किधर हैं? आप कहाँ छुपे हुए हैं आप? तो भाई वो कैमरा करो, हाँ आलमगीर के ऊपर कैमरा डालो भाई। आलमगीर के कैमरा डालो आलमगीर पर। आलमगीर बाकी दोस्तों का भी, जिनका भी आतिफ रऊ साहब ने नाम लिया है, शहर गिनवाए हैं और बताया कि फलां फलां जगह से सोशल मीडिया के काफले आए, मैं सबको दिली सलाम पेश करता हूं। गए भाई, गए वो दिन जब ये कहा जाता था कि सोशल मीडिया किसी और जमात का किला है। और यहाँ पर मरियम नवाज भी शाबाश के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने अंथक मेहनत और लगन से सोशल मीडिया टीम की दाग बेल डाली। और आप नौजवानों को मुल्क की सियासत में मुतहरक रखने के लिए अपना अहम किरदार अदा किया। सुने, क्योंकि मंजिलें चाहे कितनी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा कदमों के नीचे हुआ करते हैं। दोस्तों की मुझसे बेलौस मोहब्बत थी जो मुझे यहाँ पर खींच लाई है, और फिर चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ आज हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपके शाना बशाना खड़ा है। वजीर आजम आज मैं सोशल मीडिया के उन जान निसारों को भी खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं जो इस मजमे में तो नहीं है, लेकिन इस प्रदेश बैठकर हमारी इस तहरीक और इस जदोजहद के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपकी इस काविश पर, आपकी इन कुर्बानियों पर मुस्लिम लीग नून का हर कारकुन और मैं, मुझ समेत तमाम लोग फख्र करते हैं, और हर लीडर आपको सलाम पेश करता है। नवाज शरीफ आपको, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कैसे गैर जमहूरी कुव्वतों ने आपके नारे वोट को इज्जत दो से खाइफ होकर कंट्रोल्ड मीडिया के जरिए, वो मीडिया जिसको कि इन्होंने कहा, उसके जरिए प्रोपेगंडा शुरू कर रखा है कि नवाज शरीफ का बयानिया
मुल्क को कमजोर कुव्वतों को मजबूत कर रहा है, उन्हें यही खास सुने, गौर करें। इन्हीं गैर आइनी ताकतों ने भाई इन्हीं गैर पाकिस्तान में आजादी इजहार का गला घोंट रखा है, गरीब का गला घोंट रखा है, लोगों के रोजगार का गला घोंट रखा है और लोगों की लोगों को महंगाई की चक्की में पीस के रख दिया है। कल मुझे कोई कह रहा था कि मेरी बीवी 1,000 रुपया लेके सब्जी खरीदने गई और कुछ आटा भी खरीदना था, सब्जियां खरीदनी थी, कुछ और भी छोटी मोटी चीज, तो कहने की सिर्फ 3-4 चीजें खरीदी और 940 रुपए का बिल बन गया, बाकी चीजें छोड़ कर बस आ गई। बताएं, वो कहते थे कि आपके जमाने में 1,000 नहीं, कहते थे कि 500 रुपए में, 400 रुपए में थैला भर जाता था। तो मुझे आप बताएं कि आज लोग अगर कोई 20,000 रुपए अभी तनख्वाह ले रहा है या 30,000 भी ले रहा है या 50,000 भी ले रहा है, वो गुजारा कैसे कर, क्या खा रहा है, क्या बच्चों को पढ़ा रहा है, कहां से बिजली का बिल दे रहा है, कहां से गैस का बिल दे रहा है, कहां से बच्चों की फीस दे रहा है, कहां से घर का किराया दे रहा है। भाई ये सोचने वाली बातें हैं और दिल हिला देने वाली बातें हैं और इनको फिक्र पड़ी हुई है। हम नवाज शरीफ का रास्ता रोकें, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में मेरी तकरीरें नशर करने पर पाबंदी रख दी है, लगा दी गई है और शरीफ की तकरीर किसी जगह आए ना। आज सारे इन्हीं ताकतों के शिकंजे में कैद हैं और पता नहीं वो भी कैद से क्यों घबराते नहीं, आज वो भी कैद होना क्या खुद पसंद करते हैं कि वो कैद में रहें, अफसोस है इस बात का। और फिर इन लोगों से एक मुनज्जम प्रोपेगंडे के तहत सच को झूठ और झूठ को सच और स्याह को सफेद साबित करने का काम लिया जा रहा है और वो काम कर रहे हैं। कहां गया जमीर आपका? लेकिन याद रखें, आप भी उनको याद दिलाते रहें, अब दुनिया बदल चुकी है, अब वो नहीं है जो आज से 10 साल पहले दुनिया थी। आज सोशल मीडिया की सूरत में ज़राए अबलाग का एक मुअस्सर और आजाद जरिया सामने आ चुका है, एक अमली नमूना हो जो आप सामने मेरे बैठे हुए हो। और सोशल मीडिया हालिया दिनों में होने वाली गैर आईनी कानून साजी के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह जाबरों के शिकंजे से काफी हद तक आजाद है, रहना है, कोई शिकंजा कबूल नहीं करना आपने। इस वक्त मेरे सामने बैठा हर शख्स, आपको कह रहा हूं, एक खुद मुख्तार चैनल की हैसियत अख्तियार कर चुका है, चाहे वो ट्विटर है, फेसबुक है, टिकटॉक है या यूट्यूब या फिर व्हाट्सएप, ये सब जो है वो ये शक्ल अख्तियार कर चुका है। ये सोशल मीडिया का कमाल है कि अब इन लोगों के लिए झूठ को आधे में छुपाना अब मुमकिन नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। जितना इंशाल्लाह आप आगे बढ़ेंगे ये उतना पीछे भागेंगे, उतना पीछे भागेंगे। और सोशल मीडिया की वजह से आम आदमी की सोच को, उस आवाज को
दबाना नामुमकिन हो गया है और यही वो नाकाबले शिकस्त हथियार है जो इंशाल्लाह हमारे मिशन में कामयाबी दिलवाने में एक अहम किरदार अदा करेगा और इसे आप सब यकीनी बनाएंगे इंशाल्लाह बनाएंगे ना। दिल से पूछ के बताएं बनाएंगे ना नहीं, जरा हाथ उठाकर मेरे साथ वादा करें आप उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हकीकी जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ कानून की हुक्मरानी आइन की हुक्मरानी का सूरज तुलू नहीं हो जाता आप चैन से नहीं बैठेंगे। और याद रखें सोशल मीडिया के जंग में आपने कभी भी तहजीब और अखलाकियात का दामन नहीं छोड़ना। अगर आप अपने अज़्म में पुख्ता रहे तो वोट को इज्जत दिलवाने में हम इंशाल्लाह जरूर बजरूर सुरखरू होंगे और 22 करोड़ अवाम पाकिस्तान के सुरखरू होंगे। आज आपको मालूम होना चाहिए कि अवामी शऊर की बेदारी से आमरों और आमरियतों का जवाल पहले ही शुरू हो चुका है, मगर आपने ये नहीं भूलना कि दूसरी तरफ गैर जमहूरी कुव्वतें भी इस बात से बेखबर नहीं है और वो कई अशरों पर मुहित अपनी जाबराना इजारादारी को इतनी आसानी से खत्म नहीं होने देंगी। वो सोशल मीडिया पर भी मजीद कदगने लगाने के लिए एक मुनज्जम प्रोपेगंडा मुहिम चला रहे हैं, लेकिन घबराइए नहीं, इंशाल्लाह आखिरी फतह आपकी होगी, फतह आखिर हक और सच की होकर रहेगी इंशाल्लाह। आप देर तक ये लोग क्या समझते हैं कि आपको बेवकूफ बना सकते हैं? ये झूठ और सच और बातिल की एक जंग है, जंग जद्दोजहद है। इस कश्मकश में हमारी सोशल मीडिया फोर्स अल्लाह के फजल करम से सफे अव्वल की फोर्स है, सफे अव्वल की, और सफे अव्वल का किरदार अदा कर रही है। इन हालात में आपके कंधों पर मेरे भाइयों बहनों बेटियों, आपके कंधों पर पहले से भी ज्यादा भारी जिम्मेदारी आयद होती है। इन सिलेक्टेड और नए हुक्मरानों की हुकूमत हचकोले खाती और आखिरी सांसें लेती नजर आ रही है, ये मैं आपको बता दूं। और मेरा यकीन है कि मेरे संग संग आपका ये जज्बा, आपका ये वलवला इंशाल्लाह इन गिरती हुई दीवारों को आखिरी धक्का देगा। और याद रखिए कि शिकस्त खोर्दा कुव्वतें आपको हर तरह से खौफ ज़दा करने की कोशिश तो करेंगी, आपके खौफ में गैरआइनी ताकतों की फतह और आपकी बेखौफी में इन कुव्वतों की शिकस्त, जब आपको यकीन है कि आप हक और सच के रास्ते पर हैं तो फिर खौफ और डर की जंजीरें कैसी, कौन सी जंजीरें, इनको तोड़कर फेंकना होगा। बोलो इनको तोड़कर फेंकोगे? इंशाल्लाह आपकी क़यादत में। ओके, निया तेरे साथ रहेंगे, निया तेरे साथ रहेंगे, निया तेरे साथ रहेंगे, निया तेरे साथ रहेंगे।
दिया। मियां तेरे साथ रहेंगे, मियां तेरे साथ रहेंगे। ये आपको भाई, ये आपको मजीद डराएंगे, ये आपको खौफ भी दिलाएंगे, लेकिन आपने हर आंधी का मुकाबला करना है बेखौफ होकर, और फिर आपने हक का चिराग जलाना है, तारीकी को शिकस्त देनी है आपने, और मिल्लत की कश्ती के मेरे नेगेबानी करने वाले भाइयों, बहनों, बेटियों, मेरी ख्वाहिश है कि आप नौजवानों के, आपके यानी आपके अगले 73 साल ऐसे ना गुजरे जैसे पिछले 73 साल गुजर गए। मैं अपने तजुर्बे से बात कर रहा हूं, अपनी कौम को वो रास्ता बता रहा हूं जिस पर चलकर हम दुनिया की मुहज़्ज़ब कौमों में अपनी मंजिल को हासिल कर सकेंगे। और मेरा कसूर, मेरे बच्चों, सिर्फ यही है। क्या है कसूर मेरा? मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं वोट को इज्जत दो की मशल थामे, अपनी कौम को, आपको और 22 करोड़ पाकिस्तानियों को हसूले जमहूरियत की राह पर लेकर चल निकला हूं। मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं उन चंद किरदारों को इस्लाह अहवाल की दावत दे रहा हूं जिनकी नजर में आईन और कानून की ना कभी इज्जत थी और ना आज है। मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं अपनी पाक फौज के जवानों और अफसरों को खराज तहसीन पेश करके चंद आईन चिकन किरदारों को बेनकाब कर रहा हूं। और मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं इन इक्का दुक्का किरदारों को नाम लेकर जो हमेशा पर्दे के पीछे खेलते रहे हैं, जो सामने आने से घबराते हैं और पर्दे के पीछे से बैठ के खेल खेलते हैं, साजिशें करते हैं, आज नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून और पीडीएम अपना मुकदमा लेकर आपके पास और अपनी कौम के पास आए हैं। मुझे आपसे जवाब चाहिए, मुझे बताएं, सोचकर बताएं, क्या इन आईन शिकनों को बेनकाब करना गद्दारी है? क्या इन किरदारों को बेनकाब करना बगावत है? क्या इन वोट चोरों को बेनकाब करना जुर्म है? एक नारा लगाना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ। क्या आपको और मुल्क को भटकाने वाले इन चंद किरदारों को सामने लाना गद्दारी है? मुझे बताएं, ये रियासत के ऊपर रियासत चलाने का प्लान बनाने वाले जो है उन किरदारों को बेनकाब करना बगावत है? आपका माल चोरी करके अमेरिका में सल्तनत बनाने वालों का नाम लेना जुर्म है? क्या किया आसिम बाजवा ने, जनरल आसिम बाजवा ने क्या किया? आपका माल, आपके मुल्क का माल लूटकर अमेरिका में सल्तनत कायम की है, उसका नाम लेना क्या जुर्म है? और इन चंद किरदारों का नवाज शरीफ को अगर पसंद नहीं है मेरा सच बोलना तो ना सही भाई, नवाज शरीफ की बात पसंद नहीं है तो ना हो, लेकिन आज पाकिस्तान के मुस्तकबिल मेमारों, आप मेमार हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मेमारों के ये जवाब
मुझे इस सफर को आगे बढ़ाने का हौसला दे रहे हैं और ये जज्बा दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं, बहुत हिम्मत दे रहे हैं। मेरी बहनों, भाइयों और बेटों, बेटियों, आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, आप उम्मीद की वो किरण हैं जो अपने अजम और हिम्मत से दर्द को दबा और तसव्वुर को तस्वीर दे रहे हैं और ख्वाब को ताबीर दे रहे हैं, तदबीर को तकदीर दे रहे हैं और बंदगाने असीर को आलमगीर बना सकते हैं। वो आलमगीर नहीं जो अभी आप में फिर रहा है, ये मैं दूसरे आलमगीर की बात कर रहा हूं। दोनों आलमगीर बहुत अच्छे हैं। आलमगीर सुन रहे हो मेरी बात? आलमगीर सुन रहे हो या आप खा भी रहे हो? भाई आप आलमगीर समेत आप भी आतिफ रऊफ, जीशान और बदर शहबाज और मेरे हजारों ये बेटे और बेटियां जो बैठी हैं यहां पर, पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपके हाथों में है, आपके हाथों में है, आपके हाथों में। और इंशाल्लाह आपका ये जज्बा और ये जुनून ही पाकिस्तान को आगे बढ़ाएगा। आप पाकिस्तान का बाशऊर तबका है, पढ़े लिखे लोग हैं आप। एक नमे के लिए अपने दिल पर हाथ रखें, रखें जरा अपने दिल पे हाथ, अपने दिल पे हाथ रखें और फैसला करें। आप फैसला करें कि आज हम जिस पाकिस्तान में रह रहे हैं, आप मुझे बताएं क्या ये कायदे आजम का पाकिस्तान है? आज तक किसी एक भी जमहूरी मुंतखब वज़ीर आज़म को उसकी आईनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। हर चंद सालों बाद जमहूरियत पर शबखून मार के मार्शल लॉ लगा दिए गए और जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून यहाँ पे नाफिस कर दिया गया। बार बार आइन की धज्जियां बिखेरी गई और इलेक्शन में कभी बक्से चोरी और कभी आरटीएस की बंदिश से अवाम के वोट को चोरी किया गया। मुल्क बनाने वालों को गद्दार कहा गया और अवाम के मकबूल लीडरों को हथकड़ियां लगाकर जेलों और जलावतियों में रखा गया और रहबर राजन बना दिए गए। आप सब माशाल्लाह साहिब इल्म दानिश हैं। आज अपने आप से सवाल करें, अपने आप से सवाल करें। घर जाएंगे तो अपने अहलो याल से सवाल करें, गली मोहल्ले में दोस्तों अजीजों से सवाल करें कि ऐसा क्यों है? ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब तो इकबाल ने नहीं देखा था। मेरी ख्वाहिश है मेरे बच्चों कि आज मेरी इस गुफ्तगू को सिर्फ आप एक तकरीर के तौर पे ना लें बल्कि इसे एक सोच और एक फिक्र लेकर अपने घर जाएं और आपके अंदर वो तड़प पैदा होनी चाहिए जो ये सवाल पूछे, वो तड़प ये सवाल पूछे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ मेरे मुल्क के साथ, मेरे वतन के साथ क्यों हुआ? मैं चाहता हूं कि ये सोच और ये फिक्र आप पर मुस्तकबिल के वो दरीचे खोले जहां जमहूरियत हो, रोशनी हो, जहां खुशहाली हो, जहां तरक्की हो, जहां इंसाफ हो, जहां आइन की बालादस्ती हो। आपको मायूस नहीं होना,
बल्कि हकायक का मुताला करना है, इनका तजिया करना है और फिर हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ना है, अजम के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि आपने मुल्क में हकीकी जमहूरियत लाने का जो अलम उठाया है वो बिना बगैर मोहब्बत, बगैर मेहनत और बगैर कोशिश और कुर्बानी के बगैर मुमकिन नहीं। हम जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही इंशाल्लाह पाकीज़ा, खालिस और मजबूत कौम के तौर पर इंशाल्लाह हम उभरेंगे। और मैं आपके लिए बहुत मुतमन्ना रखता हूं, तो फिर आए, आप सब नारे लगा रहे हैं और नारे, जितना खामोशी खामोश, आखिरी दो तीन बातें मैंने आखिरी करनी है एक मिनट में। आज मेरे साथ मिलकर अहद करें कि हम तमाम तर जुल्म जबर के बावजूद हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ते रहेंगे, हाथों में हाथ मिलाकर आगे बढ़ते रहेंगे, बेखौफ होकर हक और सच के चिराग रोशन करते रहेंगे, गैर आइनी ताकतों के उन दागदार चेहरों को बेनकाब करते रहेंगे। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो मेरा आपसे वादा है कि इंशाल्लाह ये तारीख शब जल्द खत्म होने को है और एक नई सुबह तलू होने को है, और वो सुबह इंशाल्लाह जमहूरियत का राज होगा, वो सुबह जिसमें आपकी राय को इज्जत मिलेगी, वो सुबह जिसमें आपके वोट को इज्जत मिलेगी। और मैं आप साथ साथ मैं माफी चाहता हूं कि खुर्रम भट्टी, काशिफ साबिर खान, साद नईम का मैं नाम नहीं ले सका, इन दोस्तों को भी मेरा बहुत सलाम। अल्लाह ताला आप सबको हिम्मत दे, इंशाल्लाह 13 तारीख को लाहौर मीनार पाकिस्तान में आपसे मुलाकात होगी।